Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी कैडेट की तैयारी कराई जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चाहे तो आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड से हैं या फिर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं, चाहे तो आप यूपी कैडेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बेटे सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो है। तैयारी करनी है आपको तो मेरे चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। बेटे, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे बेटे आज 190 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे 190 क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, वो एंजाइम्स आपको बताना है जो ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है सुक्रोज, सी ऑप्शन है जाइमेज, डी ऑप्शन है इन्वर्टेज। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटे कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 190 का। तो बेटे इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ और सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा बेटा? जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि क्रैफ चक्र का आरंभ होता है, क्रैफ चक्र का आरंभ होता है। ए ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के साथ, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के साथ, सी ऑप्शन है पारूबिक अम्ल के साथ और डी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। तो बेटे जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 191 का। जल्दी से बेटे कमेंट करिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बेटे जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 191 का। तो बेटे इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पारूबिक अम्ल के साथ। क्रैफ चक्र का आरंभ होता है किसके साथ? पारूबिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 को समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर हाल में बनता है सभी एग्जामों में। क्यूसी फेरी कुल के पौधों में पुकेंसरों की संख्या पूछ रहा है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पुकेंसरों की संख्या, तो ए ऑप्शन है 2+4, बी ऑप्शन है 4+6, सी ऑप्शन है 4+3 और डी ऑप्शन है 9+1। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 192 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 192। जल्दी से बेटे कमेंट करिए, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 192। तो क्यूसी फेरी कुल के पौधों में पुकेंसरों की जो संख्या है इसमें बेटे हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ और हमारा ए ऑप्शन है 2+4 यानी 6। पुकेंसरों की संख्या कितनी होती है? 6। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 193वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। किस कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं? किस कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है पोएसी, बी ऑप्शन है फैबेसी, सी ऑप्शन है ब्रैसिकेसी और डी ऑप्शन है मालवेसी। तो जल्दी से बेटे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 193। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बेटे सभी स्टूडेंट कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा फैबेसी। यानी किस कुल के पौधों की जड़ों में पर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं? तो वो है फैबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा समझिए। अगला क्वेश्चन है त्रिअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठीय अधोवर्ती अंडाशय व भित्तीय बीजांडनाश वाले पुष्पीय लक्षण कुल का कुल है। ए ऑप्शन है कुकरबिटेसी, बी ऑप्शन है पोएसी, सी ऑप्शन है फैबेसी, डी ऑप्शन है मालवेसी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 194।
इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो त्रिअंडपी, युक्तांडपी, एक कोष्ठीय, अधोवृत्ती, अंडाशय व भित्तीय बीजांडन्यास वाले पुष्पीय लक्षण का कुल है। आपको फैमिली बतानी है कौन सी फैमिली है। तो बेटे इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ और ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा कुकरबिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए मटर, चना, अरहर व सोयाबीन का उपकुल है। मटर, चना, अरहर व सोयाबीन का उपकुल है। ए ऑप्शन है माडमोसाइडी, बी ऑप्शन है पैपिल्यूनेसी, सी ऑप्शन है लेगुमिनेसी और डी ऑप्शन है सीसेल पिनाइडी। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 195 का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 195 मटर, चना, अरहर व सोयाबीन का उपकुल है। तो बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ और बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा पैपिल्यूनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 195 तक बेटे हमने ये टेस्ट सीरीज पढ़ ली है। अब देखिए 196वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्यूसी फेरी कुल का पुष्प सूत्र है। तो क्यूसी फेरी कुल का पुष्प सूत्र है, ये आपको इसमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है वो वाला आपको देखना है। तो देखो जल्दी से पहचान लीजिए, इसमें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो आप पहचान के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 196। जल्दी से कमेंट करिए, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। देखिए ई बी आर दे रखा है, ई विरक्टेड है, ठीक है, कैलेक्स की संख्या 4 है, कोरोला एंड्रोसियम की 6 है, गाइनोसियम की 2 है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझिए, 197। फ्लैक्स के रेशे किससे प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन पे बेटे लगाइए आप स्टार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैक्स के रेशे किससे प्राप्त होते हैं। ए ऑप्शन है सनई, बी ऑप्शन है ढेचा, सी ऑप्शन है अलसी, डी ऑप्शन है पटसन। तो जल्दी से कमेंट करिए 197 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 197, तो बेटे इसमें हम जाएंगे देखिए सी ऑप्शन के साथ क्या हो जाएगा, अलसी। फ्लैक्स के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, अलसी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे, आपको फिर याद दिला दूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बेटे आपको कुछ पाने के लिए आपने सीने में आग लगानी पड़ेगी, जब तक आग नहीं होगी ना तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नील हरित शैवाल पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। जो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है बैक्टेरियोफेज, बी ऑप्शन है मोजेक विषाणु, सी ऑप्शन है माइक्रोफाज और डी ऑप्शन है साइनोफाज। तो जल्दी से कमेंट करिए 198 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। नील हरित शैवाल पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं साइनोफेज, यानी इसका हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 199। दोहरे स्टैंड वाला आरएनए पाया जाता है। दोहरे स्टैंड वाला जो आरएनए है वो किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है रियोवायरस, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है शैवाल, डी ऑप्शन है निमाटोड। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 199 जल्दी से छापिए कमेंट बॉक्स में, दोहरे स्टैंड वाला आरएनए किस में पाया जाता है। तो बेटे इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है रियोवायरस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 200 पे हम पहुंच चुके हैं बेटे। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 200 समझिए। क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है। एचआईवी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए एचआईवी विषाणु में अनुवांशिक जो पदार्थ है वो क्या है। ए ऑप्शन है आरएनए का इकहरा सूत्र, बी ऑप्शन है आरएनए का दोहरा सूत्र, सी ऑप्शन है डीएनए का दोहरा सूत्र और डी ऑप्शन है डीएनए का इकहरा सूत्र। देखिए एचआईवी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ है। जल्दी बताइए बेटे 200 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से छापिए कमेंट बॉक्स में। एचआईवी विषाणु की बात कर रहा है यहाँ पे, एचआईवी वायरस की बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आरएनए का इकहरा सूत्र, यानी 200 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए एचआईवी की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए, 201 नंबर क्वेश्चन। जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ
जो गुणसूत्र से बाहर होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो गुणसूत्र से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है क्रोमेटोफोर्स, बी ऑप्शन है जीनोफोर, डी ऑप्शन है प्लास्टेट और डी ऑप्शन है प्लाज्मिड। जल्दी से कमेंट करिए 201 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 201, जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो गुणसूत्र से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बेटे इसमें हम देखी जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लाज्मिड। क्लियर, चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपने अच्छे से तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 202, साइनोबैक्टीरिया है, इस क्वेश्चन पे बेटे स्टार लगाइए आप। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया है, ए ऑप्शन है मिक्जोफाइसी, बी ऑप्शन है माइसोटोजोआ, सी ऑप्शन है मिक्सोमाइसिटीज, डी ऑप्शन है राइजोमाइसिटीज। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साइनोबैक्टीरिया है तो बेटे इसमें हम जाएंगे देखिए ए ऑप्शन के साथ, और ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा मिक्जोफाइसी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई 203 नंबर क्वेश्चन है, कपकों में भोजन प्रायः संचित होता है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लीजिए। कपकों में भोजन प्रायः संचित होता है, ए ऑप्शन है प्रोटीन से, बी ऑप्शन है अमीनो अम्ल से, सी ऑप्शन है वसा से और डी ऑप्शन है ग्लाइकोजन से। तो जल्दी से कमेंट करिए 203 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 203, कपकों में भोजन का जो प्रायः संचय होता है, इसमें हम जाएंगे बेटे डी ऑप्शन के साथ, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 204 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा समझो। देखो औद्योगिक रूप से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, औद्योगिक रूप से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ए ऑप्शन है जीवाणु से, बी ऑप्शन है ईस्ट से, सी ऑप्शन है एस्परजिलस से और डी ऑप्शन है वायरस से। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 204 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटे कमेंट में छापिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। औद्योगिक रूप से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 204। तो बेटे इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, और सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा एस्परजिलस। औद्योगिक रूप से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है एस्परजिलस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटे आप देख रहे हैं बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 205 नंबर, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है पनीर उत्पादन में, बी ऑप्शन है मक्खन उत्पादन में, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल उत्पादन में और डी ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल के उत्पादन में। जल्दी से बताइए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 205, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटे हमारा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है इथाइल एल्कोहल के उत्पादन में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 206, आप बेटे कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते, बहुत गलत बात है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो बेटे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आपका आंसर गलत हो या सही हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। नाखूनों तथा बालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं, देखो नाखूनों तथा बालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं, ए ऑप्शन है कोर्टिकोसूज, बी ऑप्शन है प्रेडिसियस, सी ऑप्शन है कैरिटिनोफिलिक और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 206 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटे इसमें हम जाएंगे देखिए सी ऑप्शन के साथ, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कैरिटिनोफिलिक। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 207 को समझिए। न्यूक्लियोलस का कार्य है, जो न्यूक्लियोलस है इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? ए ऑप्शन है राइबोसोम का निर्माण करना, बी ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सी ऑप्शन है बसीय अम्ल का संश्लेषण और डी ऑप्शन है वसा का संश्लेषण। जल्दी से कमेंट करिए कि भाई न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 207।
जल्दी से बेटे छापिए, 207 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इसमें बेटे हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, और ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा राइबोसोम का निर्माण करना, ये न्यूक्लियोलस का कार्य होता है। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 208। देखिए 207 में हमने बेटा पढ़ लिया, तो हम यहां पढ़ेंगे अब 208 नंबर। एमाइलोप्लास्टा का मुख्य कार्य है, एमाइलोप्लास्टस का मुख्य कार्य है, ए ऑप्शन है खनिज लवण अवशोषण, बी ऑप्शन है स्टार्च संग्रह, सी ऑप्शन है प्रोटीन संग्रह, डी ऑप्शन है जल अवशोषण। तो जल्दी से कमेंट करिए 208 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, 208 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एमाइलोप्लास्टस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, और बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टार्च संग्रह, स्टार्च का संग्रह करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप समझिए 209 नंबर। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण जो होता है वो किससे होता, किस में होता है। ए ऑप्शन है राइबोसोम में, बी ऑप्शन है लाइसोसोम में, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी ऑप्शन है क्रोमोसोम्स में। जल्दी से कमेंट करिए 209 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एटीपी का निर्माण होता है, तो बेटे 209 में हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, और सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी का निर्माण होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 210। 210 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, 210 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक कला एब्सेंट होते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है और केंद्रक कला की बात कर रहा है, दोनों की अनुपस्थिति की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका, बी ऑप्शन है पादप कोशिका, सी ऑप्शन है जीवाणु कोशिका, डी ऑप्शन है शैवाल कोशिका। तो जल्दी से कमेंट करिए 210 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक कला अनुपस्थित होते हैं, तो बेटे इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, और सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए 211 नंबर। ये इस क्वेश्चन पे बेटे डबल स्टार लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने खोज की थी, तो डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना हैं उनने किसकी खोज की है। ए ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, बी ऑप्शन है जीन संश्लेषण, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का संश्लेषण, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारकों का संश्लेषण। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 211, तो बेटे इसमें देखिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, सॉरी ये सी पे लग गया, कोई बात नहीं है, इसमें हम जाएंगे बेटे बी ऑप्शन के साथ, और हमारा जो बी ऑप्शन है वो है जीन संश्लेषण करना, यानी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने खोज की है जीन संश्लेषण की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 212 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो समसूत्री विभाजन के मध्य की अवस्था कहलाती है। बेटे अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो जो लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, जो एक आता है चार अंक का क्वेश्चन होता है, एक होता है छः अंक का क्वेश्चन, तो चार या छः अंक का क्वेश्चन बेटा समसूत्री विभाजन को डिटेल से आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन का महत्व, आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, या तो ये चार अंक देके जाएगा या फिर ये छः अंक देके आपको जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो समसूत्री विभाजन के मध्य की अवस्था कहलाती है। ए ऑप्शन है प्रोफेज, बी ऑप्शन है एनाफेज, सी ऑप्शन है मेटाफेज, डी ऑप्शन है इंटरफेज। जल्दी से कमेंट करिए 212 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने 212 पढ़ लिए, आगे समझिए 213 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र संरचना स्पष्ट होती है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। देखो आपको वो स्टेज बतानी है जिसमें गुणसूत्र की स्ट्रक्चर है वो स्पष्ट यानी क्लियर होती है। ए ऑप्शन है इंटरफेज, बी ऑप्शन है एनाफेज, सी ऑप्शन है मेटाफेज, और डी ऑप्शन है टीलोफेज। तो जल्दी से कमेंट करिए 213 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटे छापिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, और सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 214 नंबर।
निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में कार्य करता है? ए ऑप्शन है जियाटिन, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है जिब्रेलिन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 214 आपके सामने है, जल्दी से छापिए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, और ए ऑप्शन है जियाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215 भी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता? देखो अर्धसूत्री विभाजन है, पूछ रहा है अपसेंट किसमें होता है, मीसोस डिवीजन किसमें अपसेंट होता है। तो 215 नंबर क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है नील हरे शैवाल, और डी ऑप्शन है उच्च पादप। तो जल्दी से कमेंट करिए 215 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो किसमें नहीं होता? बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। और नील हरित शैवाल, तो बेटा नील हरित शैवाल को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% बेटा छपने वाला क्वेश्चन है। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 216, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। देखो आपको यहाँ पे ये पहचानना पड़ेगा कि भाई सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 216 देखो, प्रोफेज, बी ऑप्शन है मेटाफेज, सी ऑप्शन है एनाफेज, डी ऑप्शन है टीलोफेज। देखो यहाँ पे सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था की बात कर रहा है, तो जल्दी से छापिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है हमारा प्रोफेज। जो प्रोफेज स्टेज है ये सबसे लंबी स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 217 नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। किसके कारण पौधे के तने की मोटाई में वृद्धि होती है? आपको ये बताना है कि किसके कारण पौधे की तने की मोटाई में वृद्धि होती है। ए ऑप्शन है मृदुतक, बी ऑप्शन है पार्श्व विभेद्योतक, सी ऑप्शन है शीर्षस्थ विभेद्योतक, और डी ऑप्शन है दृढ़ोतक। जल्दी से कमेंट करिए 217 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बेटे छापिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 217 नंबर क्वेश्चन। तो बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, और बी ऑप्शन है हमारा पार्श्व विभेद्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 218 क्वेश्चन समझिए, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, समझिए 218। निम्न में से किस क्रिया द्वारा पौधे काष्ठीय हो जाते हैं? निम्न में से किस क्रिया द्वारा पौधे काष्ठीय हो जाते हैं? ए ऑप्शन है कैल्सिफिकेशन के कारण, बी ऑप्शन है फास्फोफिकेशन के कारण, सी ऑप्शन है लिग्निफिकेशन के कारण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जल्दी से बेटे कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 218। इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ, और सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा लिग्निफिकेंस के कारण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेटे समझिए, अगला क्वेश्चन है 219 नंबर क्वेश्चन है। पौधे के कोमल भागों में लचीलापन किसके कारण होता है? ये आपको बताना है बेटा। ए ऑप्शन है जटिल ऊतक, बी ऑप्शन है स्थूल कोण ऊतक, और डी ऑप्शन है दृढ़ ऊतक, और डी ऑप्शन है साधारण ऊतक। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 219। क्लियर, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो बेटे इतिहास बदलेगा। तो जल्दी से छापिए, रोजाना रात 9 बजे ये चलती है बेटा यूपी कैडेट की क्लास, रोजाना रात 9 बजे ये क्लास मिलेगी आपको। अभी बॉटनी एंड हो जाएगी, कल आपकी बॉटनी एंड हो जाएगी, इसके बाद न्यू सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो जल्दी से छापिए 219 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन स्थूल कोण ऊतक। नेक्स्ट, आज की वीडियो का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे हम ले लेंगे स्टॉप, और आगे की जो वीडियो होगी, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इसका मतलब बॉटनी की टेस्ट सीरीज में टोटल हम 250 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। 220 ये हैं, 30 कल हो जाएंगे, 250 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद बेटा न्यू सब्जेक्ट लिया जाएगा।
जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक आपको बताना है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है जाइलम तथा फ्लोएम, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से छापिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बेटे कमेंट करके छापिए। 220 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ना संघर्ष ना तू ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जल्दी से बताइए बेटे, जल्दी से छापिए 220 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 220, तो बेटे जटिल ऊतक है, इसमें हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, और सी ऑप्शन है जाइलम तथा फ्लोएम। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।